आगे बढ़े उससे पहले एचयूएल पर आपका भी एक कॉल लेना चाहूंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट जो है, अच्छे नतीजे और सुबह से ही ये हो रहा था कि कल भी हमने इसे काफी दौड़ लगाते हुए एचयूएल को देखा था। आपका व्यू अभी एचयूएल पर? न्यूज आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है और वही देखने को मिल रहा है। इधर से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है इस स्टॉक में, पर बेस्ट केस सिनेरियो 1680 तक नीचे जा सकता है। अभी इंटरडे चार्ट साल के चार्ट से थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो शायद कंसिडर करता नजर आएगा और फिर सेकेंड हाफ में आपको ये स्टॉक करीबन 1680 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम देखते हैं तो कोलपाल, एचयूएल, ब्रिटानिया सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं, और उसी के साथ अगर हम ये जो काउंटर है नेस्ले का काउंटर देखते तो मेरा मानना है कि नेस्ले बाय करके चलना चाहिए। अभी इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने में मिल जानी चाहिए। नेस्ले में अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीबन 10,280 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 10,450-500 के टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए आज या कल तक। इधर से अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है और अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो काफी स्ट्रांग देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में से एक स्टॉक आज कल के लिए लेना है तो नेस्ले रहेगा। ठीक है, सो एफएमसीजी स्पेस में नेस्ले स्टैंड आउट कर रहा है और खरीदारी की सलाह आपको किरण दे रहे हैं। किरण, साथ ही में निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है? निफ्टी के टेक्निकल चार्ट आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या ट्रेड लेंगे अभी निफ्टी में? निफ्टी में रेंज बाउंड रेंज रहेगी, पर बाय करके ही चलना चाहिए। आपको 10,950 का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, लेवल है जो कि मेक और ब्रेक का लेवल काम करेगा। तो 10,950 के स्टॉप के साथ यानी 15 रुपए की रिस्क लेके बाय करके ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि टारगेट आपको देखने में मिल जाने चाहिए 11,020 के, 11,030 के। तो आज के लेवल्स के लिए करीबन 11,020-30 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए। ठीक है, सुलॉन तरफ रहेगी प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, दोनों ही बैंक्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, खास करके पीएसयू बैंक्स। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में आपको अट्रैक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल जाना चाहिए। पर बैंक निफ्टी की पहले बात करें तो मैं बैंक निफ्टी पे बाय करके ही चलना चाहूंगा। 26,700 के स्टॉप लॉसेस के साथ 26,900 के टारगेट्स के लिए हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पहला टारगेट होगा। इन पर आपका व्यू चाहूंगी और यहाँ पर आपको कोई पसंद आ रहा हो टेक्निकल चार्ट पर, अच्छी खबर सरकार से मिलती हुई टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए? देखिए, अगर आपने जो स्टॉक गिनवाए उसमें से स्टॉक अगर चूज करना है तो मैं अरविंद के साथ ही जाऊंगा। अरविंद मेरा मानना है कि डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग उभर के निकल के आ रहा है, करीबन 8% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुके हैं और वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है। अगर हम पिछले 3-4 महीने का डेटा लेते हैं वॉल्यूम का, तो पहले 1 घंटे में जो दिन भर का वॉल्यूम है वो करीबन कंप्लीट होता नजर आ रहा है। तो नीचे से अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है। आपका स्टॉप लॉस 396 का रखना चाहिए, 404 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए आप 412-414 के लेवल आपको आते हुए देखने में मिल जाने चाहिए। इनके इनमें आप कोई रणनीति अभी देना चाहेंगे क्या? इनके टेक्निकल चार्ट आपको कैसे दिख रहे हैं? मैंने स्टॉक के नाम नहीं सुने। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन और वाटर बेस। अवंती फीड पे मेरा मानना है कि अभी भी डाउनसाइड थमी नहीं है। मेरा मानना है कि अभी भी कॉशियसली बाय करें अगर बाय करना है तो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरा मानना है कि ये करीबन 320-330 तक नीचे आ सकता है, वो लेवल्स रहेंगे जो कि आपको बाय करके चलना चाहिए। जहाँ पे वाटर बेस की बात करें तो वाटर बेस में भी मेरा मानना है कि और थोड़ी सी गिरावट इधर से देखने को मिल सकती है, उन लेवल्स पे आपको बाय करने की सलाह होगी। और आखिरन आपके पिक्स, आपके स्टॉक्स, मुनाफे वाले शेयर। मेरा पहला काउंटर रहेगा BEML और BEML बाय करके चलना चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 785 के और 809 के टारगेट्स आपको हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में भी मुझे लगता है कि नीचे से अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है, अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। इधर स्टॉप लॉस रहेगा 3870 का, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ और टारगेट्स के लिए 3940। और अभी अभी जो नेस्ले की बात की थी, मेरा मानना है कि नेस्ले बहुत अच्छा चल रहा है,
मैं स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना चाहूंगा। मैंने जो स्टॉप लॉस दिए थे 10,280 के, अभी मेरा स्टॉप लॉस 10,320 के रहेंगे, टारगेट्स मेंटेन करता रहूंगा 10,450-10,500। पसंद आ रहा है किरण, क्या रणनीति आप रखेंगे पीएसयू बैंक में? देखिए आज पीएसयू बैंक्स में काफी स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, इंडियन बैंक रहेगा एक काउंटर जहां पे बाय करके चलने की सलाह होगी। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में जो आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है, और इसी के चलते मेरा मानना है कि इंडियन बैंक आपको आउट परफॉर्मेंस देता नजर आ जाना चाहिए। तो इंडियन बैंक का भी बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस करीबन रहेगा 323 का, और टारगेट्स के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 328-329, ये निकल जाएगा तो 334 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ अल्लाहाबाद बैंक भी है जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए। अल्लाहाबाद बैंक में भी काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, एक अच्छा बेस करीबन आपको बनता नजर आ रहा है 39 के करीब, और उसी बेस से आज बाउंस बैक मिल चुका है। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस 39.50 का रखना चाहिए, 42.50-43 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। मैं रिजल्ट्स के ठीक पहले अशोक लेलैंड आपको कैसा दिख रहा है? कल की न्यूज के बाद थोड़े से चार्ट डिस्टॉर्टेड लगने देखने को मिल रहा है, पर एक इम्पोर्टेंट लेवल में सब इन्वेस्टर को सजेस्ट करूंगा 124 का। 124 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक वापस एक बार एक अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, पर हर लॉन्ग पोजीशंस के लिए ऑन डे एंड क्लोजिंग बेसिस 124 के नीचे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप इनमें अभी क्या करेंगे? नहीं, आज इंट्राडे अगर चार्ट देखते हैं तो 392-393 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बीपीसीएल के लिए। अगर इसको क्रॉस करने में नाकाबी अगर ये क्रॉस नहीं कर पाते तो मेरा मानना है कि नीचे में आपको 380 के लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। ऊपर में से हमें इंट्राडे में बिकवाली होती नजर आ रही है, शायद सेलॉन न्यूज की रणनीति इधर कोई ट्रेडर्स अपना रहे होंगे।